मैं अंधेरी पश्चिम में उपस्थित हूँ मैकडोनल्ड के सामने। कल जो यहाँ पे विधेयक जो लोकसभा में नागरिक सिटीजन के सिस्टम पे जो पास हुई थी बिल, कल आज उसी की चर्चा में कांग्रेस पार्टी विरोध कर कर यहाँ पे आंदोलन की है। देखिए जिस तरह से आज देश में एक माहौल बना है, अपोजिशन के लोगों की बात नहीं सुन रही है सरकार और ये सिटिंग सरकार, ये इस बात का हम विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से एक धर्म समुदाय के सिंगल लोगों को ये किनारे करके देश के संविधान की जो बातें हैं उनको और अपोजिशन की बातों को नहीं सुनकर ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर ये बिल लाकर और अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा रहे हैं। ये देश के खिलाफ है, ये देश के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपोजिशन कभी हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनका खंडन करते हैं, हम ये बिल का विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगी। हम ये लड़ाई लोकसभा में तो नहीं उसको कर पाए लेकिन राज्यसभा में हम उनको घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। ये आपको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। 14 तारीख आने वाली 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर ये संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी जाएगी और ये चंगू और मंगू अमित शाह को बताया जाएगा कि देश में नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे हम। ये नफरत की राजनीति, नफरत और नफरत, इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। रोजगार के बारे में बोलो तो आप यहाँ घुमा दोगे, रोजगार के बारे में बोलेंगे तो आप बोलोगे कि इस तरह से देश नहीं चल पाएगा। अरे क्या आप लोगों ने लगा के रखा है, जनता ने आपको बहुमत दिया, वो बहुमत की आप हत्या करते हुए जिस तरह से आप गंगा जमुनी तहजीब को हटाकर एक विशेष धर्म के समुदाय के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, नफरत फैलाना चाहते हो, नफरत नफरत से आपको क्या हासिल होगा? वोट की राजनीति में इतनी नफरत ये बर्दाश्त नहीं है। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये आरएसएस को बैंड करने के लिए कहा था, इसी के नुमाइंदे बनकर अमित शाह ये तो खुद ही तड़ीपार इंसान है। ये आज देश का गृह मंत्री बन गया, बनने के बाद में इसने अपनी दादागिरी गुंडागर्दी चालू कर दी। इस तरह से देश को बांटा नहीं जा सकता। देश का माहौल आप खराब करने में लगे हो। ये देश का माहौल खराब नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी, इतना ही हम बोलने आए हैं। कैमरा पर्सन सचिन कामले के साथ धनुधर यादव, मेट्रो मुंबई।